सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन. दिस इज सेकेंड पार्ट. ये हमारा दूसरा पार्ट है वीडियो का. देखिए, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है काफ़ी अच्छे ढंग से. वहाँ पे नॉमेनक्लेचर, जितने भी नेम्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है. और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली पहले देख कर आइए. यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखा है डीजनरेटेड एंड नॉन डीजनरेटेड कॉनिक, ठीक है ना. तो और मैंने कुछ डायग्राम्स बना दिए हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं कुछ. इसको हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से, बहुत ढंग से समझने वाले हैं. क्योंकि स्टिल मैं आपको एक बार बता दूं, जब मैं खुद पढ़ रहा था इस टॉपिक को अपने टाइम में, तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता था. मतलब यहाँ तक कि मुझे मेमोराइज करना पड़ रहा था. बट थोड़ा सा आपको पिक्टोरियली, मतलब पिक्चर को एज्यूम करने की ज़रूरत है. तो आपको पहला पॉइंट क्या रखना है ध्यान में, कि ये टॉपिक आसान है और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा. दूसरा, आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन, यानी आपको इमेजिन करना होगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं. मतलब जो डायग्राम्स बने हैं, ये हो कैसे रहा है, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया है. तो आपको ये बातों का ध्यान देना है. दूसरा, तीसरा, आपको स्वयं एक बार खुद से बनाना चाहिए और खुद से ट्राई करना चाहिए. तो हम लोग कॉनिक सेक्शन, जो हमारा टॉपिक है, उसको काफ़ी कंप्लीटली ढंग से बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और पूरा चैप्टर क्लियरली. बस आप सभी लोग केयरफुली देखिए, और हो सकता है तो आप सभी लोग लाइक शेयर जो करना है वो कर ही दीजिएगा, तो थोड़ा उससे भी मोटिवेशन मिलता है. ओके, थैंक यू. और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करें. चलिए, क्या डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है? फर्स्ट पार्ट का लेक्चर जब आपने देखा होगा, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, तो क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? मुझे दो डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है. यहाँ पर एक मैंने रेड कलर से जितने भी बनाए हैं, ये रेड कलर से जितने भी मैंने बनाए हैं, इनको नाम दिया गया है प्लेन. इनको नाम मैंने क्या दिया है? प्लेन. प्लेन आप जानते हैं, जो कि टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आप कोई भी ले सकते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस होता है और एक कौन सा होता है? वाई एक्सिस. तो अगर मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो आप एक कम्प्लीटली क्या बनाते हैं? प्लेन. आप ऐसा समझिए कि एक प्लेन है जिसके एक्सिस एक्स और वाई हैं. अभी नहीं लिखा है ताकि आपको क्लियर समझ में आए. दूसरे डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है प्लेन? वही. पहले वाले में ये फर्क है कि ये प्लेन सब कोन के ऊपर है. मतलब ये जो कोन का वर्टेक्स है, जहाँ पे मैंने ओ पॉइंट लिखा है, ये वर्टेक्स से सारे प्लेन ऊपर हैं या फिर साइड में है. मतलब इस वर्टेक्स से कोई भी प्लेन पास नहीं कर रहा है. लेकिन रिमेनिंग जो हमारे तीन डायग्राम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों डायग्राम में जो भी प्लेन पास कर रहा है, वो कहाँ से पास कर रहा है? वर्टेक्स के, मतलब कोन के वर्टेक्स से. तो ये हमारा अपर कोन है और ये कौन सा है? लोअर कोन. अपर कोन, लोअर, अपर, लोअर, ऐसा हमने पढ़ा था. अपर नैप और लोअर नैप. देखिए, ऐसे कोन को जिसमें प्लेन, ऐसे वो सभी कोन्स जो आपको बने हैं, जिसमें प्लेन वर्टेक्स से ऊपर, यानी वर्टेक्स से पास ना करके बाकी कहीं से भी पास करे, तो उस टाइप के जितने भी सेक्शंस आपको यहाँ पे बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं हैचिंग में, वो सभी क्या कहलाते हैं? नॉन डीजनरेटेड. रेस्ट क्या कहलाएंगे? डीजनरेटेड. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कहानी. ओके, अल्फा और बीटा, ये भी दोनों जान लेना जरूरी है. अल्फा क्या है? जनरेटर एंगल. कैसे जनरेटर एंगल? कैसे मैंने बताया था कि मान लो ये हमारी एक्सिस है, ये कोन की जो एक्सिस आपको दिखाई पड़े, और दूसरी ये वाली लाइन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये जो बीच का एंगल बन रहा है, इसको बोला जाता है अल्फा, जो कि क्या है? फिक्स है. अल्फा एंगल, जनरेटर एंगल. ये हमारी एक लाइन है, एक ये लाइन है, इसको बोला जाता है जनरेटर एंगल. दूसरी जो बीटा एंगल लिखा है, वो है प्लेन एंगल. उसको मैंने कैसे समझाया था? उसको मैंने ऐसे समझाया था कि मान लो कोन बन गया है, कोन बन गया है, ये कोन बन गया है, और उस पे प्लेन, आप मान लीजिए ऐसे है प्लेन, ऐसे प्लेन, प्लेन की ये एक्सिस है प्लेन. ये इसको कट करे, ऐसे कट करे बिल्कुल, ऐसे थोड़ा है तिरछा कट करे, बिल्कुल सीधा कट करे, मतलब कैसे कट कर रहा है, उसके बीच का एंगल थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा उनको बिल्कुल क्लियर होगा. ये है, ये एक्सिस है कोण का, ये कोण की एक्सिस है, और ये किसकी एक्सिस है? हमारे प्लेन की.
ये प्लेन का एक्सिस है, तो प्लेन इसको कितने एंगल पे कट कर रहा है, ये उसका एंगल है। यहां तक क्लियर है? चलो आप खुद सोचो, मुझे बिल्कुल बताने की नहीं जरूरत है, मजा आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं, पूरा मजा लेके पढ़ना है एकदम पूरा। देखो ये हमारा कोन है, इस कोन को एक प्लेन ऐसे सीधा कट करना है। उसमें वाले मैंने पोटैटो का एग्जांपल दिया है, आलू लिया है और आलू को कट किया है, तो नाइफ को आप मान लीजिए प्लेन है। जब आप बिल्कुल एकदम ऐसे कट करेंगे तो ये क्या बनेगा, सर्कल। आपने लट्टू देखा है? लट्टू बिल्कुल देखा ही होगा, उसमें कोई वाली बात नहीं। ये इस तरीके से, ये क्या है, एक लट्टू है ना, ऊपर का सर्कल बड़ा है, फिर धीरे धीरे सर्कल छोटा होता चला गया और लास्ट में वो सर्कल किस में बदल गया, पॉइंट में। और ये कैसा है, कोन भाई, कोन ही तो है, ये कोन ही तो बना ना, बड़ा सर्कल फिर छोटा सर्कल और इस तरीके से, ये कोन ही तो है ना। चलो अब आप सोचो कि अभी मैंने यहां पर प्लेन ये पास किया, तो कटने के बाद जब आप ऊपर से कोन को देखोगे, ऐसे ऊपर से आप कोन को देखोगे तो क्या दिखाई देगा, सर्कल। ये एक आपको एग्जांपल आपको करके बता रहा हूँ, आप जो अपने बर्थडे में ऊपर कैप लगाते हो ना, उसको कट करके देखना, आपको सर्कल ही दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट केस क्लियर है? ये सर्कल की साइज जो आपको यहाँ सर्कल दिखाई पड़ रही है, ये बढ़ सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, डिपेंड करता है कोन आपने कहाँ से कट किया। अगर मैं यही प्लेन यहाँ कट करता, अगर इसी को मैं यहाँ कट करता तो मुझे ये सर्कल मिलता। अब ये सर्कल मिलता जिसकी साइज अब क्या हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई। यहां कट करता तो ये सर्कल अब हमें इतना ही बड़ा मिलता, मतलब ये सर्कल धीरे धीरे छोटा होता चला जाता और एक पॉइंट, एक टाइम आता, ये प्लेन अगर इस पॉइंट से पास कर जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट। मतलब प्लेन कहां से पास कर जाए, वर्टेक्स से, तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, ये सर्कल नहीं दिखाई पड़ेगा, ये सर्कल है। इसका रेडियस कितना है, कुछ भी हो रेडियस, ये रेडियस लेट अस सपोज 7 है, 7 से मैं 6 कर दूं, 5 कर दूं, 4 3 2 1 0, आप मुझे बताओ ये सर्कल धीरे धीरे छोटा हो करके एक पॉइंट में बदल जाएगा कि नहीं, ये किस में बदल जाएगा, एक पॉइंट में बदल जाएगा ना। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें प्लेन अगर कोन के बेस के पैरेलल है, ये कोन का बेस है जिस पे समझ लीजिए आपने कहीं कोन रखा होगा और उस कोन के बेस के पैरेलल ही आपने कट कर दिया है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस आइए समझते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आप प्लेन को जो 90 डिग्री बीटा बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है ना, ये वाला एंगल आप 90 डिग्री ध्यान रखें, उस 90 को थोड़ा सा झुका दीजिए, ये है। अब बीटा लेस देन 90 डिग्री कर दीजिए, पहले इस कंडीशन को देखिए, बीटा लेस देन 90 डिग्री कर दीजिए और ध्यान रखिए बीटा थोड़ा अल्फा से ज्यादा हो, अल्फा आपका, अल्फा लेट अस सपोज 30 डिग्री है तो बीटा को आप 80 रखिए, मतलब 30 से थोड़ा सा ज्यादा रखिए, 30 से क्या बोल रहा हूं, मतलब 30 से ज्यादा रखिए, 90 से लेकिन कम रखिए। तो ऐसे केसेस में आपको क्या मिलेगा, एलिप्स। एलिप्स की क्या कंडीशन होती है, इलिप्स क्या होता है भाई, इलिप्स एक सर्कल का स्पेशल फॉर्म है, या यूं कह लीजिए कि इलिप्स का एक स्पेशल फॉर्म सर्कल है। कैसे, देखो ये है एक इलिप्स जिसमें ये और ये दो एक्सिस हैं और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और अगर मैं इनको बराबर कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सर्कल। देखो ये दो एक्सिस हैं, इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सर्कल। तो जब भी प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा तो कोनिक में, ये जो कोन में सेक्शन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलिप्स, क्या मिलेगा, इलिप्स। तो ये केस है सर्कल का, सर्कल, और ये क्या है, इलिप्स। थर्ड में आइए, थर्ड में आप देखिए यही प्लेन का एंगल बीटा इक्वल्स टू अल्फा हो गया, मतलब जनरेटर का एंगल और प्लेन का एंगल दोनों को इक्वल कर दीजिए और जो ये जनरेटर एंगल है, ये जो जनरेटर है, यही तो है जनरेटर एंगल अल्फा, इसके पैरेलल अगर प्लेन पास करे, इसके पैरेलल, इस जनरेटर लाइन के पैरेलल प्लेन पास करे
तो ऐसी सिचुएशन में ये केवल एक ही कोन को कट करेगा, ये ऊपर का कोन यहाँ पे कट करता हो तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली शेप जो होती है इसको बोला जाता है पैराबोला। क्या बोला जाता है? पैराबोला। नाम ये सब अपोलोनियस ने दिया है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब नाम अपोलोनियस का दिया हुआ है। ये है हमारा पैराबोला, ऐसी शेप का जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, पैराबोला। आगे हम लोग अभी इसके बारे में और कुछ पढ़ने वाले। ये है हमारा पैराबोला। चार टाइप के पैराबोला भी होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है ना, अलग अलग आएगा धीरे धीरे। इस तरीके का भी पैराबोला होता है, ऐसा भी होता है, ये सभी क्या कहलाते हैं, पैराबोला। ये समझ में आ गया, ये हो गया पैराबोला। कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब आप रहते हैं और वैसे भी हम लोग डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं तो पता नहीं चलता कि स्टूडेंट को कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं समझ गया हूँ, मुझ में भी कोई डाउट्स आ सकते हैं, बट अगर आपको वो डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा, उसको मैं फिर से क्लियर करूँगा। हाँ, वन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यही चीज़ आप डिजिटली भी बहुत अच्छा समझ सकते हैं, एनिमेशंस के थ्रू अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो चीज़ अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको फिर भी क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक, अगर फिर भी नहीं क्लियर हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए फोर्थ वन। अभी प्लेन को हम ऐसे रखे थे, ऐसे, फिर थोड़ा झुकाया, फिर थोड़ा और झुकाया, अब बिल्कुल वर्टिकल कर दो, एकदम स्ट्रेट खड़ा वर्टिकल एक्सिस से के साइड से निकाल दो, तो आप देखोगे अपर कोन और लोअर कोन दोनों को ये इंटरसेक्ट करेगा, अपर कोन और लोअर कोन दोनों को ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो शेप्स कट के आएंगी, ऐसा, मतलब एक ऊपर कटा और एक थोड़ा सा नीचे। तो यहां पर जब हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये दोनों शेप मिलके क्या बनाएंगे, हाइपरबोला। यानी ये लास्ट वाला जो केस है हमारा, ये किसका है, हाइपरबोला। इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय। परवलय के बाद क्या कह लिया जाएगा, अति परवलय। तो ये हमारे चार केसेस हैं और इनको नॉन डीजनरेटेड कोनिक कहते हैं। माय डियर, इसमें कोई भी प्लेन कोन के वर्टेक्स से पास नहीं करता है। आपको ये चारों क्लियर हुआ, चलिए मजा आ जाएगा। अब इसमें डीजनरेटेड केस है, डीजनरेटेड, कैसा डीजनरेटेड, अभी आपको कुछ नहीं करना है, इस प्लेन को धीरे धीरे ऊपर से धीरे धीरे खिसकाते 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 कहां तक लेकर गया, एकदम बिल्कुल वर्टेक्स तक लेकर आए। और जैसे ही वर्टेक्स से ये पास करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक पॉइंट, क्या बनाएगा, पॉइंट, मतलब ये पास कर रहा है पॉइंट्स, क्योंकि सर्कल है रहा ही नहीं ना। देखो सर्कल ये बनता, सर्कल ये बनता और ये बनता सर्कल, फिर ये सर्कल बनता, फिर ये सर्कल, फिर और छोटा, धीरे धीरे ये एकदम पॉइंट हो गया। देखिए ये धीरे धीरे किस में, फिर से अगर आप प्लेन को नीचे ले जाना चाहेंगे, फिर से ये बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, फिर ये वाला सर्कल, फिर ऐसे कई सर्कल फिर बनते चले जाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा कि ये हमारा फर्स्ट केस जिसमें है अल्फा लेस देन बीटा। अल्फा बीटा को मत ध्यान देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री। अब एक चीज यहां पे और लिखिए, बीटा लेस देन और इक्वल टू 90। अगर इक्वल ना हो के खाली लेस देन हो तो आप पास करिए इसी पॉइंट से, वर्टेक्स से। अब आप कोई दूसरा प्लेन पास करिए, मैं यहां पे खराब नहीं करना चाह रहा था इसलिए थोड़ा सा ऐसा ऐसे पास करिए, तब भी तो माय डियर अब इलिप्स बनता। अगर आप प्लेन को टेढ़ा कर देते तो ये इलिप्स बनता। तो आप क्या करिए, इसी को नीचे धीरे धीरे लेकर आइए। अभी ऐसा इलिप्स बना हुआ है, फिर ऐसा इलिप्स बनेगा, फिर ऐसा इलिप्स बनेगा, फिर ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, धीरे धीरे छोटा, फिर ये इलिप्स, फिर ये इलिप्स, फिर ऐसा इलिप्स, बड़ा इलिप्स, छोटा इलिप्स ही धीरे धीरे नीचे होता आएगा, बड़ा होता जाएगा, ऊपर बड़ा होता जाएगा, लेकिन बीच में कहीं तो जीरो हो जाएगा ना, बीच में तो जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों केस, इलिप्स का केस और सर्कल का केस, दोनों मिलाकर कहां क्या देते हैं, हमको पॉइंट देते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है आपको, पॉइंट वाला केस समझ में आया, ये पॉइंट का केस है। नेक्स्ट देखिए, बीटा इक्वल्स टू अल्फा, जनरेटर एंगल को प्लेन के इक्वल कर दो और ये प्लेन को पास कराओ इस कोन से टच करते हुए,
ये कोन है, ये कोन की टच करते हुए पास करेगा इस साइड को, जैसे ये कोन है ना बिल्कुल प्लेन, यहीं से पास कर जाएगा ऐसे, बिल्कुल प्लेन ऐसे पास कर जाएगा। मेरे पास मोबाइल का कवर अवेलेबल है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल आप ऐसा समझिए, ऐसे पास कर जाएगा प्लेन, ऐसे पास करे, ऐसे कट करे, अगर ऐसे ये प्लेन है आप ऐसे समझिए, देखिए पूरा प्लेन है, ऐसे प्लेन है, तो ये प्लेन को मैं ऐसे कट कराऊंगा, ऐसे कट कराऊंगा, तो ये क्या करेगा, पास कहां से कर रहा है, वर्टेक्स से, और क्या दे रहा है हमको, एक स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में हमको मिलता है पॉइंट, क्या मिलता है, पी ओ आई एन टी, इस केस में ध्यान रखिएगा, ये केस में मिलता है पॉइंट और इस केस में मिलता है स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट लाइन, और भी सिंगल, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा प्लेन, एस टी आर ए आई जी एच टी, ओके स्ट्रेट लाइन, चलिए आई होप यहां तक समझ में आया। तो पॉइंट लाइन एंगल ध्यान रखिएगा। तीसरे में देखिए मुझे क्या करना है, इस बार प्लेन को ऐसे नहीं, कोन बना है, ये कोन है एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा खड़ा एकदम बीचों बीच काट दो, जैसे ये सर्कल हो ना, इसे ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल दिखेगा ना, एकदम बीचों बीच ऐसे काट दो पूरा, ऐसे बिल्कुल काट दो। तो जब काटोगे तो आप देखोगे ये कोन कुछ ऐसा कट जाएगा, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, विजुलाइज कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पाए, कराऊं दूसरे ढंग से, विजुलाइज करो अगर कर सकते हो तो। केवल एक कोन बनाओ, मैं कह रहा हूँ केवल एक कोन बनाओ, ये वाला कोन जो आपने पढ़ा होगा, मैं कह दूँ इसको कट करो, ये देखो, ये देखो इसको, इसे ऐसे हिसाब से कट करो, तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं बताना जरा, इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो और कहते हो हाँ ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, इसे लाइन मानते हो कि नहीं, इसे लाइन मानते हो कि नहीं, दो लाइन हो गए। अब आप एक ऊपर भी कोन बना लो, ये रहा आपका कोन, तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो आपको कैसा मिल रहा है लाइन, दो लाइन मिल रहा है, वो भी कैसे, इंटरसेक्टिंग, कैसा मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, देखिए फर्स्ट लाइन और ये कौन सा हो गया आपका सेकेंड लाइन, लेट मी वन थिंग क्लियर, ये है आपका केस दूसरा, जिसमें क्या हो रहा है, लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, इसमें तो इंटरसेक्ट, ये प्लेन पास कर गया, केवल एक पॉइंट मिल रहा है, इसमें केवल एक लाइन आपको मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, डीजनरेटेड और नॉन डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन क्लियर है माय डियर। इस केस को आप बिल्कुल अपने बुक में भी, एनसीईआरटी में भी आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, थोड़ा सा विजुलाइज करना हो अगर आपको तो ये डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़ा सा आप विजुलाइज करके देख सकते हैं। इसमें एक केस और आता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें जैसे ये क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये मैंने नहीं लिखा, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग, आई एन टी ई आर एस ई सी टी आई एन जी, इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट है। इंटरसेक्टिंग लाइन के अलावा पैरेलल लाइन भी आता है, बट वो केस थोड़ा सा पेचीदा है, देखिए ये पैरेलल लाइंस का केस, बट वो ज्योमेट्रिकली और एनालिटिकली, मतलब अभी इसका एनालिटिकल वो भी है, अभी तो हम सभी लोग ये ज्योमेट्रिकल समझ रहे हैं ना, अभी इसकी एक इक्वेशन भी आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस बी सी वाई स्क्वायर, इस तरीके से एक इक्वेशन भी आएगी जो डबल डिग्री की होगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके भी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि सेक्शन क्या आएगा, कौन होगा, सॉरी इलिप्स बनेगा कि सर्कल बनेगा कि पैराबोला है, पर वो अगला टॉपिक, तो उसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा ग्राफ भी एक्सप्लेन करके और सारी चीज़। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। हाँ एक सजेशन ज़रूर दूंगा, मैंने भी इस चीज़ को समझने के लिए एनिमेटेड वीडियो जो होते हैं ना, एनिमेशन वाले वीडियो, उनको आप देखने की कोशिश करना, तो क्या है, बिल्कुल कोनिक एकदम पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग जो है ना हमारा पिक्चर को पकड़ता है, पिक्चर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके थैंक यू सो मच, आई होप दीज ऑल टॉपिक्स आर क्लियर्ड। फॉर एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन इन कमेंट, और अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि आपको यहाँ इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है या नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, एंड प्लीज़
आप चैनल पे विजिट करें किए हैं फर्स्ट टाइम तो अगर आपका वेलकम है, और अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं देख रहे हैं तो आप चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।